हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने किया था व्हाट इज मल्टीटास्किंग, व्हाट इज मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग, और मल्टी थ्रेडिंग की एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी हम लोगों ने की थी। आज हम लोग एक और टॉपिक करने वाले हैं, डेट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। ये टॉपिक इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को स्पेशली अलग से ही करवा रहा हूँ। ओके, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड, इसके लिए पहले एक बार आप लोग पिछले वाला ट्यूटोरियल भी जरूर देख लेना। ओके, तो ये डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं इनमें, ये सारे डिफरेंसेस एक बार मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा प्रोसेस और यहां पर हमारे पास आ जाएगा थ्रेड। ओके, तो सबसे पहले तो सिंपल है, सबसे पहले तो आप लोगों को इनकी डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट पर जो आप लोगों को पता होना चाहिए, डेट इज डेफिनेशन। तो यहां पर फर्स्ट पर क्या आ जाएगा, डेट इज डेफिनेशन। तो प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है, कोई भी टास्क जो परफॉर्म हो रहा है या फिर प्रोग्राम आप बोल सकते हो। तो यहां पर सिंपल प्रोसेस के डेफिनेशन में आप बोल सकते हो एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, या फिर बोल सकते हो अ प्रोग्राम विच इज इन एग्जीक्यूटिंग स्टेट। क्लियर है पॉइंट? तो ये क्या हो गया, प्रोसेस, अ प्रोग्राम विच इज इन एग्जीक्यूटिंग स्टेट, जो एग्जीक्यूट हो रहा है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोसेस। ओके, और सेम अगर हम लोग थ्रेड की बात करें तो थ्रेड क्या होता है, इट इज द सब पार्ट ऑफ प्रोसेस, या फिर आप बोल सकते हो बहुत छोटे लेवल का जो प्रोसेस होता है, बहुत छोटे लेवल का टास्क होता है। तो हम लोग थ्रेड को क्या बोल सकते हैं, इट इज सब पार्ट ऑफ प्रोसेस, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्मॉल टास्क भी बोल देते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो थ्रेड सिंपल क्या होता है, प्रोसेस का सब पार्ट होता है, और प्रोसेस क्या होता है, एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस चीज को हम लोग प्रोसेस बोल देते हैं। सिंपल अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो ये देखो, जैसे ये मेरे पास क्या है, प्रोसेस है, ये मेरे पास P1 प्रोसेस आ गया, ये मेरे पास P2 प्रोसेस आ गया, और ये इसके अंदर क्या आ गए हैं, थ्रेड्स आ गए। जैसे मैंने पहले क्या बताया था, जैसे VLC है, VLC के अंदर ये छोटा थ्रेड आ गया, किस चीज़ के लिए, जैसे वीडियो प्ले हो रही है, ये म्यूजिक प्ले हो रहा है, ये प्रोग्रेस बार चल रहा है, एक और थ्रेड आ जाएगा टाइमर के लिए। सेम जैसे ये वर्ड है, तो वर्ड के अंदर फॉर एग्जांपल ये ग्राफिक्स के लिए आ जाएगा, ये जैसे स्पेलिंग चेकर के लिए आ गया, ये मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ की स्ट्रोक्स के लिए आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो टास्क है, ये क्या थ्रेड्स हैं और ये क्या हमारे पास प्रोसेस है। क्लियर है पॉइंट? तो इस चीज को हम लोग डायग्रामेटिकली इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो यहां से आप लोगों को एक चीज का और पता चल रहा होगा कि प्रोसेस जो होता है वो हैवी वेट होता है। देख रहे हो, प्रोसेस के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टास्क होते हैं, तो प्रोसेस इस वजह से हैवी वेट होता है, बट थ्रेड जो होता है वो लाइट वेट होता है। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर एक पॉइंट में ये भी चीज बोल सकता हूं, डेट इज प्रोसेस इज हैवी वेट, एंड थ्रेड के केस में मैं बोल सकता हूं थ्रेड इज लाइट वेट। क्लियर है पॉइंट? तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस। ओके, देन जो सेकंड पार्ट आ जाता है, डेट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। सेकंड जो पार्ट आ जाता है, डेट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर ध्यान रखना, प्रोसेस जो होते हैं वो, उनमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसके अंदर पता चल जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ये चीज़ मैंने पहले भी बताया था, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, अगर मल्टीपल प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो एट अ टाइम CPU जो होता है वो ये एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाता है, बट वो प्रोसेस बहुत ही नैनो सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करवाता है, फिर जाकर सेकंड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा देता है, वो भी नैनो सेकंड के लिए, फिर वापस ये यहाँ पर आ जाता है। तो इस टाइप से CPU वो एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाता है, बट वो टाइम गैप, प्रोसेस के बीच में टाइम गैप वो इतना कम होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि वो एट अ टाइम सिंगल प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होता है। हमें ऐसा फील होता है भाई वो सारे के सारे प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। क्लियर पॉइंट? तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग प्रोसेस के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, प्रोसेस टेक्स मोर टाइम फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। क्लियर पॉइंट? बट थ्रेड के केस में ध्यान रखना, इट टेक्स लेस टाइम। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग सेकंड पॉइंट पर, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाला डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है। ओके, देन थर्ड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस आ जाता है, डेट इज कम्युनिकेशन।
अब कम्युनिकेशन के केस में भी ध्यान रखना, प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन डेट इज इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट आता है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बट थ्रेड के बीच में इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत कम टाइम लेता है। तो वही सेम पॉइंट आ जाएगा, डेट इज टेक्स मोर टाइम फॉर इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, सॉरी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ओके। बट इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के केस में ये टेक्स लेस टाइम, बहुत कम टाइम लेता है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के लिए। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, डेट इज एड्रेस स्पेस। तो एड्रेस स्पेस के केस में ध्यान रखना, हर एक प्रोसेस का अपना एक अलग एड्रेस स्पेस होता है। ये चीज का ध्यान रखना, हर एक प्रोसेस का अपना एक अलग एड्रेस स्पेस होता है। तो ईच प्रोसेस हैज डिफरेंट एड्रेस स्पेस। क्लियर है पॉइंट? बट थ्रेड के केस में ध्यान रखना, अगर एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो वो सेम ही एड्रेस स्पेस शेयर करेंगे, ये चीज का ध्यान रखना। बट अगर थ्रेड्स अलग अलग प्रोसेस के अंदर हैं तो वो जाकर डिफरेंट एड्रेस स्पेस शेयर करेंगे। बट हम लोग जब बात करते हैं तो वो एक ही प्रोसेस के अंदर के थ्रेड्स की बात करते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर क्या ध्यान रखना है, थ्रेड्स शेयर सेम एड्रेस स्पेस। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? प्रोसेस जो होता है वो डिफरेंट एड्रेस स्पेस शेयर करते हैं, बट थ्रेड जो होते हैं वो सेम एड्रेस स्पेस शेयर करते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, देन नेक्स्ट डिफरेंस जो हमारे पास आ जाता है, डेट इज डिपेंडेंसी। तो ध्यान रखना, प्रोसेस जो होते हैं वो डिपेंडेंट नहीं होते, ये चीज का ध्यान रखना। प्रोसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, क्योंकि हर एक प्रोसेस जो होता है वो इंडिविजुअल प्रोग्राम होता है। क्लियर है पॉइंट? बट थ्रेड जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, ज्यादातर 90% केसेस में थ्रेड जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो डिपेंडेंसी के केस में ध्यान रखना, प्रोसेस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्लियर है पॉइंट? बट थ्रेड्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? थ्रेड जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, बट प्रोसेस जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, देन नेक्स्ट सिक्स पॉइंट आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, सिंक्रोनाइजेशन। सिक्स पॉइंट के अंदर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट भी आएगा आगे जाकर, ओके। तो प्रोसेस के केस में हमें सिंक्रोनाइजेशन की नीड नहीं होती, बट थ्रेड के केस में हमें सिंक्रोनाइजेशन की नीड होती है। तो ये चीज का ध्यान रखना, प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर सिंक्रोनाइजेशन, ओके, बट थ्रेड के केस में सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर होती है। तो थ्रेड्स मे रिक्वायर सिंक्रोनाइजेशन। क्लियर है पॉइंट? तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप थ्रेड के बीच में सिंक्रोनाइजेशन यूज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। क्लियर है पॉइंट? सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है ये चीज मैं आगे ट्यूटोरियल्स के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा, ओके। ठीक है, देन नेक्स्ट सेवन पॉइंट पर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, रिसोर्स कंजप्शन। रिसोर्स कंजप्शन के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रोसेस जो होता है वो ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करता है, बट थ्रेड उतने रिसोर्सेज रिक्वायर नहीं होता, थ्रेड्स के लिए उतने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड नहीं होते जितने प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ओके। तो सिंपल रिसोर्स के केस में ध्यान रखना, रिसोर्स कंजप्शन इज मोर इन केस ऑफ प्रोसेस एंड रिसोर्स कंजप्शन इज लेस इन केस ऑफ थ्रेड्स। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट का और ध्यान रखना, डेट इज एट पॉइंट, टाइम ऑफ क्रिएशन। तो इसके अंदर भी सेम पार्ट है कि प्रोसेस जो होते हैं वो लेस टाइम लेते हैं बनने के लिए, सॉरी प्रोसेस जो होते हैं वो ज्यादा टाइम लेते हैं क्रिएट होने के लिए, एंड थ्रेड जो होते हैं वो कम टाइम लेते हैं। तो इसके अंदर भी सेम है, प्रोसेस रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर क्रिएशन। क्लियर है पॉइंट? बट थ्रेड के केस में ध्यान रखना, सॉरी लेस नहीं आएगा, मोर आएगा, प्रोसेस रिक्वायर्स मोर टाइम, प्रोसेस रिक्वायर्स मोर टाइम फॉर क्रिएशन, एंड थ्रेड जो होते हैं वो लेस टाइम लेते हैं, लेस टाइम फॉर क्रिएशन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, देन नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, टाइम फॉर टर्मिनेशन। तो इसके अंदर भी सेम पॉइंट है, डेट इज प्रोसेस रिक्वायर्स मोर टाइम फॉर टर्मिनेशन एंड थ्रेड रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर टर्मिनेशन। तो सिंपल यहां पर भी सेम पॉइंट आ जाएगा, सेम पार्ट आ जाएगा, डेट इज मोर टाइम
और इसके केस में भी पार्ट आ जाएगा डेट इज लेस टाइम। क्लियर है पॉइंट? तो प्रोसेस के केस में रिसोर्स कंजप्शन, टाइम क्रिएशन एंड टाइम टर्मिनेशन, ये सारे के सारे ज्यादा होते हैं, जबकि इस केस में कम होते हैं। क्लियर है पॉइंट? जिसके अंदर अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो स्टार्टिंग के जो ये वाले डिफरेंस है, दैट इज डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कम्युनिकेशन, एड्रेस स्पेस एंड डिपेंडेंसी एंड लास्ट सिंक्रोनाइजेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखने। अगर इंटरव्यू में पूछते भी हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यही पॉइंट्स बताने, फिर जाकर आप लोग आगे ये वाले कंटिन्यू करते हैं अगर इंटरव्यूअर चुप होने के लिए नहीं बोलता है तो। ओके, तो ये मेन मेन डिफरेंसेस है किसमें, प्रोसेस एंड थ्रेड के अंदर। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने। ओके, अगर इनकेस कोई पॉइंट रह भी गया तो आप लोग कमेंट्स के अंदर मुझे बता सकते हो। ओके, सो आई होप ये सारे डिफरेंसेस आप लोगों समझ में भी आ गए होंगे। याद रखना, इंटरव्यू के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।